नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम स्वागत करता हूं आप सभी का प्रोग्रेस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आइए गाइस शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम रिवीजन करने वाले हैं इकाई के अंक के बारे में, साथ ही साथ हम प्रैक्टिस भी करेंगे। जो भी हमारे क्वेश्चन पिछले ईयर्स में PYQ जो रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, पूछे गए हैं इस टॉपिक से, इस चैप्टर से, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। गाइस हमने बात की थी इकाई के अंक के बारे में, हमने यूनिट प्लेस डिजिट जो है उसको समझा था। यूनिट प्लेस डिजिट को समझने के बाद हमने क्या किया था, कुछ वहां पर प्रैक्टिस की थी। आइए गाइस रिवाइज करते हैं उस कंसेप्ट को। सबसे पहले हमने कंसेप्ट समझा था कि उससे पहले कंसेप्ट को समझने से भी पहले हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके के जो हैं क्वेश्चन, किस टाइप के आपसे पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, जो हैं कितने टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं या फिर बनते हैं, पॉसिबल हो सकते हैं। गाइस हमने पहला टॉपिक डिस्कस किया था पावर बेस्ड क्वेश्चन जो रहते हैं, जैसे आपका 235 जो है इसके ऊपर मान लो आपका 344 का आपने पावर लगा दी, प्लस में माइनस में या फिर प्लस में आपने 248 टू दी पावर 235 कर दिया। गाइस इस तरीके से क्वेश्चन आपको लिख दिया जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि इस संख्या को, इस सवाल को सॉल्व करने के बाद जो होगा आपका इकाई का अंक क्या होगा। तो गाइज इन सभी क्वेश्चन को हमने डिफाइन किया है किस तरीके से पावर बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे उनके, पावर बेस्ड क्वेश्चन में हम इस तरीके के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फिर जो अगला टाइप होगा उसमें प्रॉपर सीरीज वाइज जो क्वेश्चन होंगे वो पढ़ेंगे। फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन को हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, स्पेशल सीरीज रहेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और कुछ वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आई होप गाइस आपको ये सभी पांच जो टाइप हैं वो समझ में आए होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले कंसेप्ट की। तो गाइस हमने सीखा था, हमने यहाँ पे जीरो का कंसेप्ट सीखा था, वन का सीखा था, फाइव का सीखा था और सिक्स का सीखा था। हमने जाना था कि अगर किसी संख्या की लास्ट में, यदि किसी नंबर के लास्ट में या फिर इकाई के अंक में शून्य है तो उसके ऊपर कितने भी अंक की घात लगा दी जाए, कितनी भी संख्या की घात लगा दी जाए, उसकी उसका जो हल होगा, उसका जो सॉल्यूशन होगा उसके लास्ट में है, या फिर UPD जो होगा, यूनिट प्लेस डिजिट या फिर इकाई के अंक बात करें तो उसका इकाई का अंक हमेशा शून्य होगा। अगर दोस्तों मान लो आपका 5, 6, 7, 8, 9, 0 इतनी बड़ी संख्या भी है और इसके बाद मान लो 6, 7, 9, 4, 3, 8 इतनी बड़ी भी अपन, हम लोगों ने क्या कर दी पावर को इस पर ऐड कर दिया, लगा दिया, तब भी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका जब जो इकाई का अंक आएगा वह हमेशा क्या आएगा, शून्य आएगा। तो हमने क्या समझा गाइस, हमने समझा किसी संख्या के अंत में अगर शून्य है तो उसका जो घात कितनी भी हो, पावर कितनी की भी लगी हो, उसका जो आंसर आएगा उसका इकाई का अंक जो होगा हमेशा शून्य होगा। इसी तरीके से हमने वन को समझा, इसी तरीके से हमने पाँच को देखा, फिर छः को देखा। आई होप गाइस आप सबको यह जो रूल है वो समझ में आ गया होगा। कंसेप्ट जो है हमने क्लियर कर लिया था कि किस तरीके से यहाँ पे आया था। सिक्स के ऊपर अगर सिक्स वन की पावर लगाएं तो सिक्स आता है, सिक्स के ऊपर टू की पावर लगा दें तो 36 आ जाता है, सिक्स के ऊपर अगर थ्री की पावर लगा दें तो 216 आ जाता है। इसमें हम देख रहे हैं कि यूनिट प्लेस जो है इकाई का अंक जो है हमेशा छः ही आ रहा है, 36 में भी छः है, 216 में भी छः है और 1246 में भी छः है। इसके बाद हम लगा सकते हैं इसी के साथ ही अंदाज की, जो भी हमारा जैसे जैसे हम पावर को बढ़ाते जाएंगे उस तरीके से हमारी संख्याएं बढ़ती जाएंगी, और अगर हम चेक करेंगे उन संख्याओं का इकाई का अंक क्या है तो हम पाएंगे कि उन सभी संख्याओं का इकाई का अंक जो है वह छः ही होगा। फिर हमने पाँच की बात करी थी, फिर हमने वन की बात करी थी, एक की बात की थी। तो गाइस हमने समझा था कि अगर किसी संख्या के अंत में शून्य हो, एक हो, पाँच हो या छः हो तो उसका क्या होगा, इकाई का अंक हमेशा सेम नंबर होगा, सेम नंबर होगा। जैसे अगर वन है तो वन होगा, शून्य है तो शून्य होगा, पाँच है तो पाँच होगा, छः है तो छः होगा। इसके बाद हमने एक और बेसिक कंसेप्ट समझा था, इसके थ्रू हमने लगा के देखा था टू पे अगर वन की पावर लगाते हैं तो टू की अगर पावर लगा दें तो चार हो जाएगा, दो पे तीन की अगर घात लगा दें तो आठ हो जाएगा, और दो पे अगर चार की घात लगा दें तो 16 हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम दो पे पाँच की लगाएं तो 32, दो पे छः की तो 64, दो पे सात की तो 128, दो पे आठ की अगर घात लगाते हैं तो 256 हो जाएगा, दो पे अगर नौ की घात लगाते हैं तो 512, दो पे अगर 10 की घात लगाते हैं तो 1024, दो पे अगर 11 की घात लगाते हैं
2048 या फिर 2048 जिसको हम बोलेंगे, अगर 2 पे हम 12 की घात लगा देते हैं तो 4096 जो हमें मिल जाएगा। इस तरीके से हमने देखा कि जो 2 है, 2 की अगर हम क्या करें इकाई के अंक की बात करें, तो यहाँ तक तो दोस्तों एक ही अंक था। तो यहाँ तक तो हमने देखा कि पहले क्या आ रहा था, अगर हम 1 की पावर लगा रहे थे, 1 की घात लगा रहे थे तो 2 आ रहा था, फिर 4 की घात, 2 की घात लगाई तो 4 आ रहा है, 3 की घात लगाई तो 8 आ रहा है, फिर हमने यहाँ पे देखा कि 4 की घात अगर लगाई तो 6 आ रहा है, फिर हमने क्या किया 2 पे 5 की घात लगाई तो हमें इकाई का अंक क्या मिला 2 मिला, फिर हमने 6 की घात जब लगाई 2 के ऊपर तो हमें 4 मिला। इसी तरीके से देखो दोस्तों यहाँ पे रिपीट होने लगा, फिर हमने क्या देखा कि यहाँ पे 8 आ गया, फिर यहाँ पे 6 आ गया, जो क्या है 4 4 अंकों के बाद, जैसे ही आपका 4 का जोड़ा पूरा पूरा हो जाता है उसके बाद जो है आपका इकाई का अंक रिपीट होने लगता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं 2 2 4 4 8 8 6 और 6, ठीक है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो जिस तरीके से हमारी पावर हैं बढ़ते जा रहे हैं या फिर चार चार के जोड़ों में हम देखें तो रिपीट होते जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं गाइज, हम यहाँ पर एक चीज़ करते हैं, हम क्या करते हैं पावर जो होती है, पावर होती है किसके अलावा गाइज, अगर 0 1 5 और 6 वाला रूल आपको याद है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या के अंत में चेक करेंगे कि कहीं 0 1 5 और 6 तो नहीं, अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे कि इसको देखकर इसको क्या करेंगे, उस पे जो पावर होगी, उस पे जो भी पावर होगी उसको 4 से डिवाइड करना है, और फिर जो रिमाइंडर आपका बचता है, रिमाइंडर जो आपका बचता है, चाहे आपका 4 बचे, चाहे 2 बचे, चाहे 3 बचे या फिर 5 बचे, तो आपको क्या करना है उसके उस पर किस पर जो आपका संख्या का जो इकाई का अंक होगा उस पर उस रिमाइंडर की पावर लगा देनी है। जी हाँ गाइस, आपको क्या करना है, आपको रिमाइंडर जो होगा, शेषफल जो होगा, शेषफल की पावर जो है, शेषफल जो होगा घात के रूप में आ जाएगा, किस पे, संख्या के इकाई के अंक पर। एग्जांपल के लिए अगर 628 पे अगर हमने 628 की ही घात लगा दी, 628 पे हमने 628 की घात लगा दी, तो अब हम क्या करेंगे, पहले 628 जो होगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसको 4 से डिवाइड करने के बाद, उसको 4 से डिवाइड करने के बाद क्या होगा कि हमें जो है जो शेषफल बचेगा, शेषफल, अब दोस्तों एक और दिक्कत आएगी, अब शेषफल यहाँ पे 0 है, अब शेषफल यहाँ पे 0 है, मान लो इसको अभी होल्ड कर लीजिए, इसको मैं अभी आपको इस कंसेप्ट के बाद समझाता हूँ। मान लो कोई और नंबर ले लेते हैं, 127 ले लेते हैं, 127 या फिर लो 6 ले लूँ, 726 को ले लेते हैं, 726 की अगर पावर होती तो हम यहाँ पे क्या करते, 4 से इसको मल्टीप्लाई करते, सॉरी डिवाइड करते, तो क्या आ जाता, क्या आ जाता यहाँ पे उता क्या हो जाता, बन जा यहाँ पे रिमाइंडर आपका 2 आ जाता, रिमाइंडर 2 आता, तो इसका गाइस इसका जो होता क्या, यूनिट प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट 8 है, तो 8 पे हम क्या करते, 2 की पावर लगाते और 8 हमारा 16 हो जाता, और 16 का जो यूनिट प्लेस है वह 6 होता, जो हमारा आंसर हो जाता। आई होप गाइस आपको यह समझ में आया होगा, लेकिन लेकिन एक जो कंसेप्ट मैं आपको रिवीजन कराने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ, जो आपका कंसेप्ट है, अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तो उसको आपको क्या करना है, 0 की ही पावर इस पे नहीं देनी है, आपको क्या देना है, 4 की इसको पावर देनी है। जी हाँ गाइस, आपको क्या करना है, 4 की पावर देना है। आई होप आपको यह जो है समझ में आया होगा यह कंसेप्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, आज हमें डिस्कस करना है क्वेश्चंस को। क्वेश्चन जो है गाइस पावर लगाने में थोड़ी दिक्कत जा रही थी, तब हमने यहाँ पे पावर के साइन को क्या किया है, यूज़ किया है। जी हाँ गाइस, जो इस तरीके का जो आपका साइन होगा वह साइन होगा आपका पावर का। जी हाँ गाइस, पावर का जो है वह साइन होगा। गाइस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन जो होगा दोस्तों, क्वेश्चन इस तरीके से आपको पूछा जाएगा। मैं क्वेश्चन को यथावत आपके सामने लिखे दे रहा हूँ, 4387 to the power 245। अगर हम बात करें 4387 के ऊपर 245 की घात गुणा 621 के ऊपर 72 की घात, इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब क्या करना है गाइस हमें, अब हमें चेक करना है, हमने 2 कंसेप्ट पढ़े थे, 0156 वाला, और फिर क्या पढ़ा था, पावर अपॉन फोर वाला कंसेप्ट पढ़ा था, और इसके बाद हमने 0101 5 और 6 वाला कंसेप्ट समझा था। अगर ये नहीं होते हैं तो हमें क्या यूज़ करना है, ये वाला कंसेप्ट यूज़ करना है, ठीक है। इसको क्या कैसे करेंगे गाइस, तो इसको हमने देखा कि यहाँ तो ना तो 0 है, ना 1 है, ना 5 है, ना 6 है, तो हम क्या करेंगे, 7 को लिखेंगे, सॉरी इसकी पावर को लिखेंगे,
इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। इसकी पावर को लिखेंगे तो क्या है, 245 इसकी पावर है, और इसको हमने 4 से डिवाइड किया, इसको हमने 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 जो रिमाइंडर होगा, 4 में अगर 5 से भाग दें हम तो रिमाइंडर जो होगा, शेषफल जो होगा आपका 1 बचेगा। इस शेषफल को हमें पता है कि हमें क्या करना है इस कंसेप्ट में, इस शेषफल को उसके इकाई के अंक पे पावर लगानी है। जैसे आपका 7 इसका इकाई का अंक है, इस पे पावर लगानी है किसकी, 1 की आ जाएगी। इसके गुणा में, इसके गुणा में क्या आ जाएगा गाइस, इसके गुणा में अगर 621 की बात करें, अगर इसके गुणा में 621 की बात करें तो इस पे क्या है, इसके इकाई के अंक में क्या है, 1 है। तो हमें पता है कि अगर 0156 आता है तो उसका इकाई का अंक हमेशा क्या आता है, 1 ही आता है। तो गाइस जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको क्या करेंगे, हल करने के बाद 7 पे 1 की घात मतलब 7 और गुणा 1 मतलब 7, और जो आंसर होगा आपका 7 आ जाएगा। अर्थात अगर अगर इस तरीके से आपका क्वेश्चन आता है 4387 पे 245 की घात गुणित 621 पे 72 की घात, तब आप क्या करेंगे, इसके इकाई के अंक को देखेंगे, ठीक है। पहले उसके पावर में 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसका जो रिमाइंडर बचेगा, शेष जो बचेगा, शेष जो रहेगा, शेष को आप क्या करेंगे, इकाई के अंक पे उसकी घात लगा के उसको सॉल्व करेंगे। इस तरीके से अगला जो पार्ट होगा क्वेश्चन का, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। आई होप गाइस आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा किस तरीके से हमने सॉल्व किया। अगर आपको यह कंसेप्ट पहले से ही पता होता तो आप सीधा क्या करते, आप सीधा एक चीज़ और एक और डिस्कस कर सकते थे कि इसको हम सीधा जो 245 लिखा था आपको, ठीक है, उसमें 4 से आपको डिवाइड करना था, इसको ना डिवाइड करके आप टोटल इसको भी डिवाइड कर सकते थे कि हम अगर 11 टाइम्स हम अगर 4 का टेबल पढ़ते, 4 के दुनिया हम 11 बार अगर पढ़ते तो क्या होता, हमें 4 44 मिल जाता और 1 जो है हमें शेष बचे जाता, रिमाइंडर जो है हमारा 1 मिल जाता, क्लियर। तो हम इससे पता लगा सकते थे कि सीधा क्या था, 1 रिमाइंडर आएगा, 1 की घात लगाते 7 पे, और यहाँ पे हमने देखा कि इकाई के अंक में 1 है, तो हमने क्या किया, हमें पता है कि हमें रूल पता है 0156 इसमें है, अगर इनमें से है तो इकाई का अंक वही सेम नंबर होता है, हमने 1 को ही लिया, हमने दोनों को क्या किया, सॉल्व किया और आंसर हमारे सामने। इसके बाद गाइस यहाँ पे 65 का जो है आपका पावर लगी हुई थी। अगर इसकी बात करें 5725 5725 पे 65 की घात -1, गाइस इस पे अगर 7 ऑप्शन आया था, 7 आपका आंसर आया था, 7 आपका ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। और अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा जो आपका क्वेश्चन रहेगा भाई कुछ इस तरीके से है, 5725 पे 65 की घात है, इसमें से 1 को जो है हमें माइनस करना है, ठीक है। हमने देखा कि 5 है यहाँ पे, 5 है इकाई के अंक में, और हमें पता है कि अगर किसी संख्या के इकाई के अंक में 0156 हो, 0156 हो, तो उस इकाई का अंक, उस संख्या का इकाई का अंक चाहे पावर कितने की हो हमेशा सेम नंबर होगा, तो इसका जो इकाई का अंक है वह 5 आएगा, और -1 तो है वह हमें करना ही है। -1 पर किसी भी नंबर की पावर नहीं है, अर्थात हमें 5 में से अगर हमने 1 को निकाला तो हमें 4 मिल गया जो आपका आंसर होगा, क्लियर। और जो आपका यूपीडी होगा, यूपीडी का अर्थ होता है यूनिट प्लेस डिजिट या फिर इकाई का अंक। इसके बाद अगर हमने देखा कि यहाँ पे 4 जो है हमारा आंसर आ रहा है, तो हम ऑप्शन में चेक करेंगे कि आंसर क्या है, आंसर हमने देखा कि आंसर क्या है, 4 है गाइज। आई होप गाइज आपको यह जो क्वेश्चन है वह समझ में आ गया होगा, दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं। लेकिन अगर कोई भी आपके दिमाग में डाउट रहता है, कोई भी सवाल को सॉल्व करने से पहले अगर आपके दिमाग में कोई डाउट आता है, तो यह जो है यह आपका कॉन्टेक्ट नंबर रहेगा, इस पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, तो आपका जो डाउट रहेगा उसको सॉल्व करा दिया जाएगा। आइए गाइस आगे बढ़ते हैं, आगे की अगर क्वेश्चन की बात करें, तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो आपका जो है 1001 पे आपके 2008 का जो है पावर लगा दिया जाता है, और इसमें आपको 1002 को ऐड कर सॉरी 1002 को जो है आपको ऐड करना पड़ता है, क्लियर। एक मिनट, स्लाइड चेंज हो गई है। हाँ, इसमें जो है आपको क्या करना पड़ता है, इसमें जो है आपको 1002 को है तो ऐड करना पड़ता है। इसको ऐड करने के लिए गाइस हम क्या करेंगे, इसको हम ऐड करने के लिए क्या करेंगे, इसको ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने देखा
इकाई के अंक में एक है तो अर्थात इसका इकाई का अंक एक आएगा, क्योंकि हमें रूल पता है कि अगर इकाई के अंक में शून्य एक पाँच छः हो तो उसका इकाई का अंक हमेशा वही नंबर आता है, एक ही आएगा। अब बचा 1002, 1002 में हम एक को ऐड करेंगे तो 1003 आ जाएगा। और अगर हम चेक करें कि इकाई के अंक पे क्या है, इकाई के अंक पे 3 है, और आपका इस संख्या का जब हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो इकाई का अंक जो है वह 3 आ जाएगा। क्लियर गाइज। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन जो है हमारा 264 पर 102 की घात आपकी लगाई गई है, धन 264 पर 264 पर 103 की घात जो है वह लगाई गई है। आइए गाइस आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें हमने देखा कि दोनों संख्याओं में इकाई के अंक में 4 है, तो हमें क्या करना होगा, हमें इसको भाग देना होगा, पावर को 4 से डिवाइड करना होगा। दोनों पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो एक में जो है आपका 2 शेष बचेगा और एक में जो है आपका 3 शेष बचेगा। दोनों को हम अगर ऐड करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। और यह क्या होगा, ठीक है, यह 64 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और यह 64 हो जाएगा। दोनों को हम ऐड करेंगे, हम क्या करेंगे, 16 और 64 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा गाइस, 80 हमें मिल जाएगा। और 80 जब हमें मिलेगा तो हम 80 में देखेंगे कि इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक शून्य है, और जो शून्य होगा ऑप्शन इस तरीके से आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन ए है वह करेक्ट होगा। गाइस आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पांचवी संख्या की। आप लोग में से कुछ लोग जो हैं, हो सकता है आज अगर पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हों तो आपको जो है यह सब कुछ एडवांस लगे, क्योंकि क्योंकि जो है बेसिक कंसेप्ट जो है हमने नंबर सिस्टम के, जब से हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे थे पिछले चार से पांच क्लासें हो चुकी हैं, उसमें हमने पूरे के पूरे बेसिक को समझ लिया है और आज हम क्वेश्चन को लगाते जा रहे हैं। तो गाइज क्वेश्चन जो होंगे, क्वेश्चन बेसिक टू एडवांस रहेंगे, आपके बेसिक क्वेश्चन करते करते आपसे एडवांस क्वेश्चन भी आपसे करा लिए जाएंगे और आपको खुद पता नहीं पड़ेगा कि कब आपने एडवांस क्वेश्चन जो हैं, आपने हार्ड क्वेश्चन जो है उनको भी इजीली सॉल्व कर दिया। गाइज पांचवा क्वेश्चन जो है, पांचवा क्वेश्चन की अगर बात करें पांचवे की, पांचवे में जो है आपका बेसिक कंसेप्ट है, इसमें थोड़ा सा क्या हुआ है, टाइपिंग एरर हुई है, पावर्स नहीं लग पाई हैं, तो पावर्स के बिना जो है आपका क्वेश्चन जो होगा वह क्या हो जाएगा, वह ये हो जाएगा कि आपका ये सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। और गाइस सिंपल क्वेश्चन अगर बन ही गया है तो हम बेसिक कंसेप्ट की भी हम बात कर लेते हैं। हमने सबसे पहले समझा है कि अगर किन्हीं हमें संख्याओं को जोड़ना है या फिर घटाना है तो हम क्या करेंगे, उन संख्या के सिर्फ इकाई के अंकों को ले लेंगे और उनको जोड़ या फिर घटा देंगे, तब हमें इकाई का अंक मिल सकता है। हमें पूरी की पूरी संख्याओं को जोड़ना या घटाना जरूरी नहीं है या फिर गुणा करना। आई होप गाइस आपको यह कंसेप्ट जो है याद होगा, हमने पहली क्लास में पढ़ा था यूनिट प्लेस डिजिट के, इकाई के अंक की जो पहली क्लास है उसमें हमने यह कंसेप्ट सीखा था। तो हम क्या करेंगे, 9 को लेंगे, इसका इकाई का अंक जो है वह 9 आ जाएगा, धन इस अगली संख्या का भी इकाई का अंक 9 है, फिर अगली संख्या का भी इकाई का अंक 9 है। अगर हम तीनों को ऐड करें तो हमारा जो आंसर आएगा वह 27 आएगा, और 27 में 7 जो है, 27 में 7 आपका इकाई का अंक हो जाएगा। और इकाई के अंक की अगर हम बात करें ऑप्शन की, ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका इस तरीके से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात करें तो 251 पर, 251 पर गाइज 98 की घात लगी हुई है, 21 पे 29 की घात है, ऋण है। अब गाइज यहाँ पे जो है आपका थोड़ा जो क्वेश्चन का लेवल है थोड़ा सा बढ़ता जाएगा। 106 पर आपका 100 की घात लगी हुई है, 705 पर 35 की घात लगी हुई है, 164 पर एक सौ चौंसठ पर कोई घात नहीं है, और साथ में हमें 254 को ऐड करना है। तो गाइज हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कहीं संख्या के अंत में 1056 तो नहीं। जी हाँ गाइज इसमें एक है, तो इसका हमें पता चल गया कि इसका आंसर जो है, इसका इकाई का अंक जो है एक आएगा। फिर अगली संख्या की बात करें तो इस संख्या में भी इकाई के अंक में, यहाँ पर इकाई के अंक में एक है, तो इसका भी इकाई का अंक एक ही आएगा। हमें वो कंसेप्ट बहुत अच्छे से याद है। फिर हमने देखा 106 पर 100 की घात, लेकिन हमें पता चला कि 106 में इकाई के अंक पर 6 है, तो इसका इकाई का अंक हमेशा 6 ही रहेगा। फिर इसमें 5 है, तो इसका भी 5 ही रहेगा, क्योंकि यह कंसेप्ट जो है बहुत ही ईजी हो गया।
गाइज ये सब कुछ दिखावा था, इतना बड़ा जो क्वेश्चन था आपके सामने, ये क्वेश्चन जो था आपको दिया गया था, ये कम्प्लीटली आपको डाउटफुल करने के लिए दिया गया था, आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया था। जैसे ही हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू किया तो यह जो दो लाइनों में है क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन हल हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यह 164 था, यह 254 था। अब हम क्या करेंगे गाइस, ऋण और ऋण की संख्याओं को जोड़ देंगे और धन की संख्याओं को घट सॉरी धन के धन और धन की संख्याओं को जोड़ देंगे। तो हमने देखा कि क्या है, यह 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 5 7 हो जाएगा। 7 जब हम इसमें ऐड करेंगे किसमें, 254 में, तो क्या हो जाएगा, 261 आ जाएगा, 261 आ जाएगा। और अगर हम बात करें माइनस वाले इंटीजर की, ठीक है, माइनस वाली संख्याओं की, तो यह जो है 164 में 6 लगेगा तो यह 170 हो जाएगा, तो यह माइनस का रहेगा। दोनों को अगर घटाएंगे तो एक ही आएगा। और इस तरीके से हमारा जो है इकाई का अंक एक हो जाएगा और ए वो ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। गाइज आई होप आपको जो कंसेप्ट है वह क्लियर अगर हो गया है तो यह क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका ऑलमोस्ट बेसिक है। बेसिक में हमने बात की थी किसी भी संख्या को जोड़ें घटाएं या फिर भाग करें, भाग नहीं सर जोड़ना है घटाना है या फिर गुणा करें। गुणा करने की उसमें क्या होता है, संक्रियाएं। जब कभी हम दो या दो से अधिक संख्याओं की का गुणा करते हैं और हम उसमें क्या करते हैं, अगर हमें उसमें इकाई का अंक पूछ लिया जाता है तो हमें पूरी की पूरी संख्याओं को का गुणा करना जरूरी नहीं है, हमें सिर्फ इकाई के अंकों को क्या करना है, गुणा कर देना है। और गुणा करने के बाद ही हमारा क्या होगा, आंसर हमें मिल जाएगा। यहाँ से हमने 3 लिया, यहाँ से हमने 1 लिया, ठीक है, फिर यहाँ से हमने 2 ले लिया, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक लेना है। 302 से 2 ले लिया, फिर हमने 416 से 6 ले लिया और 524 से हमने 4 को ले लिया। हम गुणा करेंगे, क्लियर गाइज, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 हो जाएगा। और 12 होने के बाद इसको अगर करें तो 12 6 गुणे 4 आएगा, यहाँ पे 72 गुणे 4 आ जाएगा। अब गाइज हमें अगर 72 गुणे 4 मिल गया है तो हमें इस संख्या में भी पूरे पूरी संख्या में 4 का गुणा करना जरूरी नहीं है, हम सिर्फ इकाई के अंक में गुणा करेंगे और हमें इसका इकाई का अंक पता चल जाएगा। हमने 4 का गुणा 2 से किया, 2 से हमें गुणा करने के बाद हमें क्या मिला, 8 मिल गया। और 8 जो है आपका इस संख्या को सॉल्व करने के बाद, इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर 8 आता है और वही जो है इकाई का अंक होगा। और इस तरीके से आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइज। 8वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यह भी कम्प्लीटली बेसिक ही है। 203, 410, 240, 305, 1507, 218। इसमें अगर हम बात करें तो इकाई के अंक को हम लेंगे, ठीक है, फिर तो यहाँ पर 0 ले लेंगे, 0 ले लेंगे, फिर हमारा यहाँ से 5 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा। लेकिन जैसे ही हम इनको गुणा करेंगे तो गुणा करने में हम पाएंगे कि शून्य का गुणा किसी भी संख्या से कितने भी बार कर ले, कितनी भी संख्याओं से हम गुणा कर दें, उसका आंसर शून्य ही आएगा। और शून्य आएगा तो उसका इकाई का अंक भी क्या होगा, शून्य ही होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पर शून्य देख कर भी आप चेक कर सकते थे कि अगर 410 में अगर इकाई के अंक में शून्य है या फिर किसी भी संख्या के अंत में या फिर इकाई के अंक में अगर शून्य होता है और सभी संख्याएं गुणा में होती हैं तो आप बिना सोचे समझे बिना किसी क्वेश्चन को सॉल्व किए क्या करेंगे, सीधा का सीधा जो ऑप्शन आपके पास 0 होगा उसको आप सॉल्व कर लेंगे। गाइस हमें टाइप वन का हमें डिस्कस करना है। टाइप वन के हम अभी तक जो क्वेश्चन है हमने प्रैक्टिस की, अब आपके सामने कुछ बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड जो एडवांस जो आपके टाइप के प्रश्न हैं वो आपसे पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन जो है आपके बड़े बड़े एग्जाम या फिर सभी छोटे छोटे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो गाइस इन सभी को भी हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ उन दोनों कंसेप्ट का ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं कंसेप्ट आपको लिखे दे रहा हूँ, पावर अपॉन फोर और क्या है, 0, 1, 5 और 6। ठीक है गाइस, आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे सबसे पहले देखना है 0, 1, 5, 6 तो नहीं है, नहीं गाइस नहीं, यहाँ पे क्या है,
शून्य एक पाँच छः नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसकी पावर में क्या है, पावर क्या है, 34 को हम 4 से डिवाइड करेंगे और हमारा जो शेष है, शेषफल जो होगा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 का हम किस पे घात लगाते हैं, इकाई के अंक पे। हम क्या करेंगे, 4 इसका इकाई का अंक होगा, 4 इसका इकाई का अंक होगा, उस पे 2 की घात लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, इसको भी हम ऐसे ही डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 5 है तो इसका इकाई का अंक हमेशा 5 रहेगा, 6 है तो इसका इकाई का अंक हमेशा 6 रहेगा, 7 है, इसको हम डिवाइड करेंगे पावर को 4 से, 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 रिमाइंडर जो है, 1 शेष जो है बचेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारा जो है इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, 16 धन 5 धन 6 धन 1। अगर 6 और 5 को जोड़े तो 11 होता है, 11 में 1 जोड़ दो तो 12 हो जाता है, और 12 को अगर 16 में जोड़ दो, 12 को अगर 16 में जोड़ दो तो 28 आ जाता है, और 28 जैसे ही आपका आंसर आया और 28 में आपने देखा कि इकाई का अंक क्या है, 8 है, तो यही जो होगा, यही होगा इस पूरे के पूरे सवाल का इकाई का अंक क्या हो जाएगा गाइस, 8 हो जाएगा। आई होप यह भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दूसरे क्वेश्चन की हम बात करें, तो सभी में जो है, सभी में हमने देखा कि 7 है, 8 है, 9 है, 0 है, इसका तो हमें 0 ही मिलेगा इसका इकाई का अंक, लेकिन यहाँ पे हमें रिमाइंडर जो होगा 9 के ऊपर जो होगा, 9 के ऊपर जो रिमाइंडर होगा उसकी अगर हम बात करें तो कितना होगा, 3 होगा गाइस, 3 होगा। फिर अगर यहाँ पे हम बात करें 8 के ऊपर अगर रिमाइंडर की, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा वो 2 होगा, और यहाँ पे अगर बात करें 7 की तो रिमाइंडर क्या होगा, 1 हो जाएगा गाइस। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, 7 हो जाएगा, 7 के बाद 7 सॉरी प्लस है यहाँ पे, प्लस क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा प्लस, ठीक है, क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा। अब गाइस 0 को प्लस करोगे तो 0 ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, इकाई इकाई के अंकों को जोड़ लेंगे, 7 और 4 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 है, और 1 क्या हो जाएगा, 12 है, और 12 में जो 2 है, 2 जो है वह इकाई का अंक है, अर्थात इसका जो हल होगा, इसका इकाई का अंक जो होगा वह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर तीसरे क्वेश्चन की हम बात करें, तीसरा क्वेश्चन जो है आपका 237 पे जो है 2357 की घात। अगर गाइज आपको क्या होता है, पावर्स जो होती हैं वह बढ़ा दी आती हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाता है, भ्रमित किया जाता है। मान लो वो क्या करेंगे, 38 पर पता चला 5678910111212 इतनी बड़ी पावर लगा दें, लेकिन आपको अपना टाइम खराब इतने नंबर को डिवाइड करके बिल्कुल नहीं करना है। आप पावर में भी उसी तरह करेंगे कि लास्ट के जो 2 अंक होंगे उसको आप क्या करेंगे, पावर से डिवाइड करेंगे। अगर आपका डिवाइड हो जाता है पूरा तो 0 रिमाइंडर होता है, वो 0 आता है, ठीक है, शेषफल जो होता है वह क्या होता है, 0 होता है। और इस दशा में हम क्या करते हैं, इकाई के अंक पर हम 4 की घात लगा देते हैं। आई होप आपको यह कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसी कंसेप्ट का यूज़ जो है आपका किस में, थर्ड क्वेश्चन में होना है। अगर थर्ड क्वेश्चन की हम बात करें तो 237 पर क्या है, 2353 की घात लगी हुई है, और अगर 2353 में से हम बात करें 57 बस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 57 को अगर 4 से आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा गाइस, तो क्या आएगा, 1 आपका जो है शेष आएगा, 1 जो होगा शेष होगा, शेष क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो 7 पे क्या हो जाएगी 1 की घात लग जाएगी, धन। फिर हम यहाँ पे 21 को किस 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे तो सीधा लगा सकते हैं, 1 है इकाई के अंक में तो क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे 9 में कितने की आएगी, 4 की आएगी, यहाँ पे हमें क्या होगा, यहाँ पे मिल जाएगा 7 धन 8 धन 729। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 9 और 8 तो होते हैं गाइस, सॉरी यहाँ पे 1 है, 1 है, 1 1 8 नहीं 1, ठीक है, 7 और 1 8, 8 और 9 होते हैं 17, और 17 में 7 जो है आपका इकाई का अंक है, अर्थात इकाई का अंक जो है वह 7 आ जाएगा। इस तरीके से हमने तीसरा क्वेश्चन भी आपने आपको सिखाया कि किस तरीके से आपको करना है गाइज। आपको मैं ये आगे के 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए लाया हूँ, और आपको जो है इनकी, इन तीनों क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। ये आपको जो होगा, ये आपको क्लास वर्क हो जाएगा, आपका आज का क्लास वर्क जो होगा, आपको यह तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप या तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, या तो कमेंट कर दीजिए, या फिर ये व्हाट्सएप नंबर होगा, इस पर आप
टेक्स्ट कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर करा सकते हैं। आई होप गाइस आपको जो है आज के कंसेप्ट, आज का प्रैक्टिस सेशन जो है वह समझ में आया होगा। हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा क्या किया, दोनों कंसेप्ट को रिवीजन किया। रिवाइज करने के बाद हमने जो है कुछ प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस करने के बाद इस तरीके के जो है सबसे पहले टाइप वन को समझा, फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमने उनको भी सॉल्व किया। अब गाइस हम क्या करेंगे, अब हम टाइप टू को डिस्कस करेंगे। इस तरीके से टू को डिस्कस करने के बाद टाइप थ्री, टाइप फोर और टाइप फाइव को डिस्कस करेंगे और हमारा इकाई का अंक जो है ख़त्म हो जाएगा। गाइस कल की क्लास में हम हो सकता है टाइप थ्री और फोर दोनों को कवर कर लें, और अगर दोनों कवर हो जाएंगे लेकिन हो सकता है फाइव का भी कोई कॉन्सेप्ट जो है कुछ कॉन्सेप्ट उसी क्लास में ऐड हो जाए। तो गाइस आप क्लासेस को रेगुलर देखते चलिए, और अगर आप आज की क्लास को आपने पहली बार अटेंड किया है तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर बेसिक आपका क्लियर नहीं है, बेसिक आपने नहीं पढ़ा है तो आपका जो है आपके क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत अच्छे से नहीं बनेंगे, या फिर बनेंगे तो उनमें टाइम लगेगा। इतनी स्पीड लाने के लिए आपको क्या करना होगा, पिछली क्लासेस को देखना होगा, और पिछली क्लासेस को देख के बेसिक आप क्लियर कीजिए और फिर इस प्रैक्टिस सेशन को अटेंड कीजिए, तो आप जो क्वेश्चन हैं क्वेश्चन को बहुत ही ईजीली सॉल्व कर पाएंगे। आई होप गाइज आपको ये सेशन जो है पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया है सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हमारा वीडियो जो है बहुत से लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच गाइज फॉर अटेंडिंग द सेशन।